नमस्ते बैंकर्स मैं कनिका शर्मा एस बी आई पी ओ आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ सो आज जो था ना मेरा कन्फर्मेशन से पहले जितने भी प्रोबेशन के दौरान टेस्ट होने थे ना उसका लास्ट टेस्ट था और वो फाइनली मैंने क्लियर भी कर लिया तो आज मैंने सोचा कि उसके बारे में ना थोड़ी सी ब्रीफ सी आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि प्रोबेशन के दौरान और कंफर्मेशन से पहले आपको कौन कौन से जो हैं टेस्ट देने होते हैं एस बी में सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस और बहुत ही ब्रीफ पे रखेंगे इस वीडियो को सो so, क्या होता है कि बेसिकली आपकी तीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती हैं जो कि मैंने अपनी एक अर्लियर वीडियो में भी बताया था सो so, तीन ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स के दौरान क्या रहते हैं आपके जो हैं कुछ टेस्ट भी रहते हैं सो so, जो आपकी फर्स्ट सिक्स मंथ की ट्रेनिंग होती है ना उसके बाद आपका जो है एक पहला असेसमेंट टेस्ट होता है दैट मीन्स कि आपने उस सिक्स मंथ की ट्रेनिंग में क्या क्या सीखा उसके रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में आता है पूछा जाता है और वो आपको जो है फिफ्टी परसेंट एटलीस्ट उसमें स्कोर करना होता है टू पास दैट एग्जाम आफ्टर दैट क्या रहता है आपका सेकेंड असेसमेंट टेस्ट होता है जब आपकी सेकेंड uh, जो है ट्रेनिंग यानी सिक्स मंथ की सेकेंड ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो जाती है एस की आफ्टर दैट आपका जो है उसके रिलेटेड एक और असेसमेंट टेस्ट होता है जिसमें अगेन उसके रिलेटेड पूछा जाता है जो जो आपने जो है उन सिक्स मंथ्स में सीखा होगा सो so, वो भी आपको जो है एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट स्कोर करने होते हैं इसमें टू पास दैट एग्जाम आफ्टर दैट क्या रहते हैं चार मैंडेटरी टेस्ट रहते हैं जो आपको पास करने होते हैं और जिसमें आपको क्या है एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट जो है वो स्कोर करना होता है और जो है आपका क्या रहते हैं वो चार जो टेस्ट रहते हैं वो सो so, जो वो चार टेस्ट होते हैं ना वो होते हैं आपके पहला होता है सी पी डिजिटल देन सी पी एस एम ई देन सी पी बी एम एंड आफ्टर दैट सी पी कम्प्लाइंस तो ये चार तरह के टेस्ट होते हैं और ये चार के चार टेस्ट जो हैं आपको जो है क्लियर करने होते हैं टू गेट बिफोर कन्फर्मेशन तो जिसमें क्या रहता है ना आपको जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह होगा या जो भी चीजें होंगी ना उस एग्जाम में पूछी जाने वाली वो सब आपकी वेबसाइट पर जो होती है ना बैंक की वो पड़ी होती है वहाँ से आप लोग जो है उनको रीड आउट कर सकते हो और कुछ भी मुश्किल नहीं होता है ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ नहीं है जो आप डेली डे दे टू डे बैंकिंग में करते हो और लोन्स एंड एडवांसेस के रिलेटेड करते हो वो सब चीज़ें जो है उसमें पूछी जाती हैं इससे पहले क्या रहता था ना हमारे हमसे पहले जो बैच हुआ करते थे उसमें क्या रहता था अगर आप थाउजेंड आउट ऑफ सेवन फिफ्टी स्कोर कर लेते थे ना तो आप डायरेक्ट स्केल टू के लिए एलिजिबल हो जाते थे बट अब जो uh, जो बैंक ने जब ये स्केल टू वाला क्राइटेरिया हटा दिया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस की uh, जब आप डायरेक्ट स्केल टू चले जाते थे तो बहुत सारे जो थे ना इश्यूज आते थे बिकॉज uh, इतना जो था एक्सपीरियंस होता नहीं था लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से बहुत सारे इश्यूज आते थे सो so, बैंक ने ये जो uh, दो साल के बाद डायरेक्ट स्केल टू बनाने वाला क्राइटेरिया था ना वो हटा दिया है तो so, uh, अब तो चिल करने वाली बात है अब ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है जस्ट आउट ऑफ थाउजेंड अगर आप फाइव हंड्रेड स्कोर कर लेते हो तो आप जो है कंफर्म हो जाओगे आफ्टर टू इयर्स सो वो इजीली मार्क्स बन जाते हैं देखो जो तीन आपकी ट्रेनिंग्स होती है ना उसमें तीन बी के पास आपके फिफ्टी फिफ्टी मार्क्स होते हैं दैट मीन्स वन मार्क्स तो आप वहीं से स्कोर कर लेते हो आफ्टर दैट असेसमेंट टेस्ट दो होते हैं वहाँ पर भी आपको फिफ्टी प्लस तो स्कोर करने हैं दोनों में हंड्रेड मार्क्स मतलब आपने वहाँ से ले लिए वो हो गया टू फिफ्टी आफ्टर दैट ये जो चार मैंडेटरी एग्जाम है उसमें भी आपको सिक्सटी प्लस स्कोर करना है दैट मीन्स टू फोर्टी तो किसी एक में तो ज़्यादा आगे पीछे नंबर आएंगे आपके तो दैट मीन्स फाइव हंड्रेड के अराउंड तो ईजिली आप लोग स्कोर कर जाते हो तो कोई टेंशन uh, वाली बात नहीं है कन्फर्मेशन तो आपकी ईजिली हो जाएगी विदाउट एनी डाउट तो अभी तो आप लोग अपनी जो पढ़ाई कर रहे हो उस चीज़ पर फोकस करो तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड और मैं ना ट्राई करूंगी कि आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियोस लाऊं सो so दैट कि आप लोगों को जो है आइडिया हो सके कि मॉक टेस्ट वगैरह किस तरह से करने चाहिए हमें और एस बी का प्री भी आ, आ रहा है तो उसके रिलेटेड भी मैं कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोस लाऊंगी एंड काइंडली uh, ना आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि अगर आपको प्री में किसी भी टॉपिक में अगर कोई दिक्कत आ रही है ना तो आप मुझे वो बता सकते हो तो मैं उस टॉपिक के रिलेटेड जो है वीडियो बना के आप लोगों को उसकी स्ट्रैटेजी और किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए आपकी प्री में उस टॉपिक पे उस चीज़ पे जो है वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँगी सो so, uh, कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं मुझे सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट सो होप यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग